बाइक लेने का खुशी तो है ही, साथ में पत्नी बोली होगी धर्म पत्नी की दो जैकेट पहनिएगा नहीं तो ठंडा लग जाएगा क्या। लेकिन चमक रहे हो यार तुम, मेरा आशीर्वाद है कि बीवी का आशीर्वाद है। अंकेश बहुत मजा लेता है, वो बड़ा भाई है कि छोटा है, हम बड़ा भाई ना। तभी हम लोग गाड़ी लेने आए और गाड़ी लिए नहीं और मोमोज खा रहे हैं बैठ के। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज ठंडा है, अभी कितना 11 डिग्री टेम्परेचर है और गाड़ी भी पूरा बदला हुआ है, देख रहे हैं ना, दूसरा गाड़ी लेके चल रहे हैं भाई, इस पे ज़्यादा झुकना पड़ रहा है। और इस गाड़ी में बम्फर वगैरह भी नहीं है तो थोड़ा सा आराम से चलेंगे। हॉर्न भी देखिए कैसा बज रहा है। आलू ले लो, बैंगन ले लो, प्याज ले लो। गांव में अब घुमा घुमा बेच रहे हैं, पहले सब्जी खरीदने बाहर जाना होता था, अब क्या है, अब तो गांव में ही मिल जा रहा है सब कुछ। तो गाड़ी में फ्यूल भी नहीं है तो आगे पेट्रोल पंप मिलने वाला है, क्योंकि आज हम पकड़ने वाले नाहर पकड़ के जाएंगे पटना। फ्यूल तो वैसे कुल्लू मनाली वाला आ रहा है, इतना ठंडा है अभी यहाँ पे, लेकिन वही है कि आइस नहीं है, बर्फ नहीं गिरा है। तो सबसे पहले फ्यूल ले लेते हैं। अपने को आदत हो गया है ना पूरा हेवी गाड़ी चलाने का, जैसे आगे से पूरा अपनी FZ जो है वो तो पूरा हेवी है ना, और ग्रिप बहुत तगड़ी है FZ का, तो वो चलाने का आदत हो गया, थोड़ा सा भारी भरकम। अब ये लग रहा है एकदम कि सूना सूना फील हो रहा है। कोई बात नहीं, इतना ठंडा में पटना जाने का रीज़न ये है कि आज अतुल भाई का बाइक का डिलीवरी लेना है, हम लोग डेट फिक्स करके रखे थे, हम सोचे धूप निकल जाएगा लेकिन धूप का तो पता नहीं है कहीं तक। भाई ये देखो इतना ठंड में भयानक क्रिकेट हो रहा है यहाँ पे। इनको बिल्कुल अभी ठंडा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि जो क्रिकेट खेलता है उसके तो बॉडी में गर्मी आ जाती है, जो बाइक चलाता है उसके बॉडी में ठंडा लगती है भाई। अरे दो पार्टी चल रहा है, एक उधर और एक इधर, टूर्नामेंट चल रहा है, टूर्नामेंट देख रहे हो, खेलने का जुनून होना चाहिए भाई। इतना मस्त ग्लव्स पहनने के बाद भी हाथ पूरा एकदम लोहा हो रखा है, अभी बर्फ जैसा फील हो रहा है। मैं पता है मैं ढूंढते जा रहा हूँ कि कहीं अगर आग वेग मिले रास्ते में तो उसको थोड़ा सा सेक के गर्म कर लो, क्योंकि ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा है अब। भाई सबसे पहले यहाँ हाथ सेकेंगे थोड़ा, भाई मेरा हाथ बिल्कुल भी यहाँ काम नहीं कर रहा। अलग से लगा है, कैमरा लगाए हैं, कैमरा है। अभी आग थोड़ा सा लेने के बाद हाथ के हालात सही हुए हैं गाइस, सच में लग रहा है ना कि मतलब अलग ही देश में है अभी, ऐसा ठंडा लग रहा है रोड पे। और अभी अपन डिस्टेंस तय कर लिए हैं 80-90 किलोमीटर, और 30-40 किलोमीटर जाना है, 40 नहीं 50 किलोमीटर मान लो आप यहाँ से। फर्स्ट टाइम इतना ठंडा लग रहा है यार सच में, बहुत बार गाड़ी चलाया हूँ बहुत सारा ज़्यादा ठंडा में, लेकिन आज जो है ना भाई ये क्या सीन चल रहा है, आधे स्ट्रीट लाइट तो ऐसे ही चल रहे हैं दिन में भी, 1 बजे दिन में। इनको पता नहीं चल रहा है क्या कि दिन हो चुका है, इनको लग रहा है शाम हो चुका है। ये देखो ओ भाई, बाइक लेने का खुशी तो है ही, साथ में पत्नी बोली होगी धर्म पत्नी की दो जैकेट पहनिएगा नहीं तो ठंडा लग जाएगा क्या।
अभी अंकेश देखा है, कैसे देख लिया तुम कि दो जैकेट पहने हैं? प्रकोप देख रहा है। तुम्हारा गाड़ी आ गया है? कौन सा? तो कब आएगा भाई? बोल दिया लाने के लिए। फाइनली हम लोग इसी के लिए गोपालगंज से पटना पहुंचे अतुल भाई का गाड़ी लेने के लिए, और इतना ठंडा में आया है भाई, बहुत ठंडा है सीरियसली। लेकिन आज डिलीवरी ले लेते हैं MT15 का। ये भी कलर लेकिन सही है, लेकिन अच्छा है एक कलर इस भाई के पास, गाड़ी का कमी थोड़े है, एक कलर है इसमें का, तो ब्लू वाला हम लोग डिसाइड किए हैं। क्या ब्लैक तो ले नहीं सकते, ब्लैक नहीं चाहिए, लेकिन चमक रहे हो यार तुम। मेरा आशीर्वाद है कि बीवी का आशीर्वाद है। लेकिन 6 महीना कब निकल गया पता ही नहीं चला। क्या बात करते करते भाई का 6 महीने पहले शादी ठीक हुआ, हंसी मजाक करते आज अब 15-20 दिन रह गया है। तो बोले शादी आपका हो रहा है तो खुश हम कहां से रहेंगे? मिल के थोड़े शादी हो रहा है, बांटोगे क्या? अंकेशवा लेके चंडीगढ़ चल जाएगा, अकेले रह जाओगे फिर। तो भैया हंसी है थोड़ा भाई, ग्लो कर रहा है। हम लोग के चेहरे पर कब आएगा ऐसा ग्लो? शादी 2 साल बाद, 2 साल देखिए साथ के हैं तो 2 साल बाद मेरा शादी हो रहा है। सब ऊपर वाले के गाड़ी का डिलीवरी होते रहेगा, पहले चाय पी लिया जाए, बहुत ठंडा है। क्या हो गया? तो मैं तिलक तक नंबर आ जाएगा। तो देखिए शोरूम के ऊपर है, इसमें हम लोग इसलिए ले रहे हैं, इसमें हम लोग इसलिए गाड़ी ले रहे हैं ना कि हमारे फ्लैट के जस्ट बगल में छोटा सा शोरूम है, लेकिन अच्छा है बगल में है तो भाई भाईचारा बना भी रहेगा, तो भाई को पता चलेगा कि हम लोग कहीं और से MT15 ले बोले कि भाई बगल में रह के क्या तुल, इसलिए हम लोग तुम्हारे तरफ से ना। हाँ यार, ये अंकेश बहुत मजा लेता है। बड़ा भाई है ना, मेरे वो बड़ा भाई है कि छोटा है? हम बड़ा भाई ना। तभी हम लोग गाड़ी लेने आए और गाड़ी लिए नहीं, और मोमोज खा रहे हैं बैठ के। तो हम लोग यही वाला कलर बोल रहे थे, क्या यही कलर पसंद था ना? हम लोग जिस दिन देखने आए थे वो कलर, ये वाला ज्यादा अच्छा लगा था हम लोग। हाँ 6-7 महीना हो ही गया, तो यही गाड़ी है, अभी जस्ट लेके निकलेंगे हम लोग थोड़ी देर में। अतुल भाई टेस्ट ड्राइव लीजिए अतुल भाई। नहीं नहीं 2 मिनट कुछ भी अच्छा नहीं होता है ना, चलो उड़ा के सीधा लैंड करा दो उधर, हैप्पी जर्नी, सीधा ससुराल पहुंच जाओ। अतुल भाई का भी टेस्ट ड्राइव लेने गया है और 2 बज गया हम लोग गाड़ी लेते लेते, अब यहाँ से निकलते हैं। तो फाइनली अभी गाड़ी डिलीवरी के बाद हम लोग अपने फ्लैट पे आ गए हैं, तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।